हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं कुछ ऐसा ऑयल सजेस्ट करूँ जो नॉन स्टिकी हो। अब ऑयलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए। एक अच्छी क्वालिटी के ऑयल के साथ ऑयलिंग करना बहुत ही जरूरी है। गुड क्वालिटी ऑयल मतलब ये नहीं है कि ऑयल बहुत ही चिपचिपा हो, भारी सा हो। वाओ स्किन साइंस का ये आर्गन हेयर ऑयल नॉन स्टिकी है। ये आप इनफैक्ट शैम्पू करने के बाद भी एज अ सीरम अप्लाई कर सकते हैं। इतनी ही नॉन स्टिकी है एंड मैं तो इसे ऑयलिंग करती हूँ, चंपी करती हूँ, लेकिन मैं शैम्पू के बाद भी इसे अपने हेयर पर लगाना पसंद करती हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा मैं शैम्पू के बाद अप्लाई करूँ जो मेरे बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करे। आपके बाल अगर बहुत ही अनमैनेजेबल है, फ्रीजी है, डल है, ड्राई है, तो आप जरूर इस प्रोडक्ट को परचेस करें क्योंकि इस ऑयल के इस्तेमाल से आपके बाल सॉफ्ट होते हैं, शाइनी होते हैं और मैनेजेबल भी बन जाते हैं। मैंने खुद से इस्तेमाल किया है इसे एंड देन ओनली आई एम शेयरिंग दिस रिव्यू विद ऑल। एंड ये है आर्गन ऑयल। एंड आर्गन, जैसे कि आप सबको पता है कि आर्गन इज वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर। मैन ऑल्सो कैन यूज दिस ऑयल और इसमें कोई मिनरल ऑयल, कोई सिलिकॉन नहीं है। दैट्स वाई आप इस पर बच्चों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के बालों पर आप चंपी कर सकते हैं एंड उसके उनके बालों को थोड़ा सा मैनेजेबल करने के लिए, यू नो, टाई अप जब स्कूल जाते हैं उससे पहले टाई करने के लिए शैम्पू के बाद आप इस ऑयल को उनके बालों पर एज अ सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मुझे, मेरे ख्याल से बच्चों पर सीरम इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। बहुत लोगों के बालों में सीरम सूट भी नहीं करता, जैसे मेरे बाल में, यू नो, सीरम लगाने से बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं स्कैल्प पर भी नहीं अप्लाई करती, फिर भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, तो दैट्स व्हाई मैं हमेशा इसे अप्लाई करना पसंद करती हूँ एज अ सीरम बिकॉज इट्स टू नॉन स्टिकी। एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही माइल्ड है और एक अच्छा सा फ्रेग्रेंस है जो मुझे काफी पसंद भी है। तो चलिए देख लेते हैं मेरा चंपी रूटीन। अवेलेबल है ऑन Amazon, वाओ स्किन साइंस के वेबसाइट पर, Flipkart, Nykaa, सो आप चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं। जितने भी लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आज का वीडियो यहाँ तक ही था। आई होप आज का वीडियो हेल्पफुल था आप लोगों के लिए। और अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस था वो जरूर नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज आई कम अप विद न्यू वीडियोज ईच एंड एवरी डे। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल एंड बाय बाय।